बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौर पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौर स्किल अप सीरीज़ वाकफे त्यामा क्लास 2 का यूनिट 3 एहतराम, माफ़ी और इंसाफ का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं किताब की तरफ और जल्दी से जायज़ा करते हैं। जी बच्चों, जायज़ा हमें पेज नंबर 25 पर दिया गया है। सबसे पहले क्या है, दर्जेल सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। तो हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, क्या हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए? हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए, जी बिल्कुल ठीक। नंबर 2, तमाम इंसान बराबर हैं से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि सबके हकूक और इज्जत बराबर हैं। नंबर 3, हम किन तरीक़ों से दूसरों का एहतराम कर सकते हैं? हम अपनी बारी का इंतज़ार करके, किसी की मदद करके, बड़ों की बात मान के, छोटों से प्यार करके दूसरों की इज्जत या एहतराम कर सकते हैं। नंबर 4, किसी को तकलीफ़ देने से क्या मुराद है? किसी को तकलीफ़ देने से मुराद है किसी को दुख देना वगैरह। नंबर 5, क्या हमें दूसरों की गलतियों पर हंसना चाहिए? जी नहीं, हमें दूसरों की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। नंबर 6, हम अपनी बारी का इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? हम अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं कतार में खड़े होकर, कमरा जमात में, स्कूल बस में दाखिल होने और उतरने के लिए, कैंटीन पर और टिकट खरीदते वक्त। हम गलतियों से किस तरह सीखते हैं? हम कोई भी काम बार बार करने से सीखते हैं, इसलिए गलतियों पर शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। नंबर 8, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब है मसावी सलूक करते हुए किसी का मामला गैर जानबदारी से फैसला करना। हमारा अगला सवाल है, अगर कोई नाइंसाफी कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? उसको बताना चाहिए कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो। और उसके बाद है नंबर 10, क्या हमें दूसरों को गलती पर माफ़ कर देना चाहिए? जी हाँ, दूसरों की गलती पर माफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद है, क्या हम पहली दफ़ा हर काम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं? नहीं, जी नहीं, हम किसी काम को पहली दफ़ा करते हुए गलती कर सकते हैं और ये बहुत आम सी बात है। अब आगे देखें, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तमाम इंसानों के हकूक हैं क्या बराबर, मुख्तलिफ, कम, ज़्यादा? बिल्कुल ठीक जवाब, तमाम इंसानों के हकूक बराबर हैं। तो हमने बराबर के गिर्द दायरा लगा देना है। हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए छोटों को, बड़ों को, दोनों को। बिल्कुल, ना छोटों को ना बड़ों को, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आपने दोनों को सर्कल कर देना है। आगे देखें, हमें कतार बनानी चाहिए बस में सवार होते हुए, कैंटीन पर या दोनों जगहों पर? बिल्कुल ठीक जवाब, दोनों जगहों पर। बड़ों का अदब करने के लिए इनकी बात माने, इन्हें बैठने के लिए नशिस्त दें या दोनों? दोनों ही। गलत जुमलों के सामने टिक का निशान लगाएं। वह आपने याद रखना है कि आपने गलत जुमले का टिक लगाना है। कुछ लोग बरतर होते हैं, ये गलत है, तो इसको हम टिक करेंगे। हमें औरतों का एहतराम करना चाहिए, जी बिल्कुल, हमें औरतों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये तो गलत जुमला नहीं है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत बात है, तो इसको हम टिक करेंगे। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 26 पर और अगला सवाल है, माफ़ कर देना बहुत बड़ी खूबी है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये गलत नहीं है, तो इसको हमने टिक नहीं करना। नंबर 5, नाइंसाफ़ी करना बुरा काम है। तो बिल्कुल, नाइंसाफ़ी करना बुरा काम है, तो ये ठीक जुमला है, इसको भी टिक नहीं करना। आगे देखें, दर्जन सवालात के जवाब लिखें। तो पहला सवाल है, दूसरों की इज्जत करने के दो तरीके लिखें। उसके बाद नंबर 2 है, लोग किन चीज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो भी 3 बातें लिखनी हैं आपने। नंबर 3, हमें किन जगहों पर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, ये बताएंगे आप। नंबर 4, किसी को तकलीफ़ देने की कोई सी 3 मिसालें लिखें। नंबर 5, कोई 3 अच्छी आदतें लिखें, यानी कोई सी भी 3 अच्छी आदतें आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद हों। जी, अब हम बात करने वाले हैं इखलाकी ज़िम्मेदारी की। हारिस अपने दोस्त आतिफ की शक्ल का मजाक उड़ा रहा है, आप आतिफ को तसल्ली देंगे, हारिस के साथ मिलकर
मजाक उड़ाएंगे। जी नहीं, हम आतिफ को तसल्ली तो देंगे लेकिन हारिस के साथ मिलकर मजाक उड़ाने की बजाय हम हारिस को समझाएंगे कि ये बुरी बात है। आगे देखें, राशिद जमात में अव्वल आया, इसने सब हम जमात तलबा को चॉकलेट दी लेकिन रेहान को चॉकलेट नहीं दी क्योंकि उससे रेहान पसंद नहीं। क्या अरशद को रेहान को चॉकलेट देकर मुनसिफाना रवैया रखना चाहिए था? जी बिल्कुल, क्योंकि मुनसिफाना रवैया यही होता है कि आप बराबरी का अमल करें सबके साथ। आगे देखें, अरीबा और फरीहा दोनों बहनें हैं। अरीबा ने एक दिन गुस्से में आकर फरीहा की ज्योमेट्री तोड़ दी, बदले में फरीहा ने भी इसकी कलरिंग बुक फाड़ दी। अरीबा ने ज्योमेट्री तोड़ कर ठीक किया? बिल्कुल नहीं। फरीहा को कलरिंग बुक फाड़नी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। क्या अरीबा को माजत करनी चाहिए थी? जी हाँ। क्या फरीहा को चाहिए था कि अरीबा को माफ़ कर देती? बिल्कुल। दोनों में से किसका रवैया अच्छा था? तो ये अब आप सोच के बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज 27 पे। यहाँ पे हमारे पास है कॉलम और कॉलम के एक तरफ लिखा हुआ है मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना और अगली साइड पे है तीन जुमले। अब हम देखना है कि हम किसको किसके साथ मिलाएंगे। अब्बू तमाम बहन भाइयों को बराबर जेब खर्च देते हैं तो ये क्या है? ये मुनसिफाना रवैया है तो उसके साथ मैच करेंगे। क्लास मोनिटर नासिर अपने दोस्तों को शोर मचाने पर सजा नहीं देता तो ये क्या है? गैर मुनसिफाना है तो उसके साथ मैच करेंगे। हर जमात के बच्चे ब्रेक के दौरान ग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं तो ये क्या है? मुनसिफाना अमल है। अब हम देखने वाले हैं ज़हनी आजमाइश। एक दिन उमेर ने एक कुत्ते को पत्थर मारा, इसके दादा ने उसे डांटा। क्या उमेर ने ठीक किया? क्या दादा जान को उसे डांटना चाहिए था? उमेर ने बिल्कुल गलत किया और दादा जान को उसे डांटना चाहिए था। अरहम क्लास में केक लेकर आया, इसने सबके लिए केक के बराबर टुकड़े किए। मारिया ने दो टुकड़े उठा लिए। आप क्या करेंगे? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? बिल्कुल, हमें दो टुकड़े नहीं उठाने चाहिए और हम सबको बराबरी का अमल करना चाहिए। यानी अगर सबके लिए एक जितना केक बांटा गया है तो हमें सिर्फ उतना ही हिस्सा उठाना चाहिए जो हमारे हिस्से में आ रहा है। आपका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है, वो आपको माफ़ नहीं कर रहा, आप उसे कैसे मनाएंगे? तो ये अब आपने ख़ुद सोचना है कि आप उसे कैसे मनाएंगे। आप अपने दोस्त के साथ बात करेंगे, आप अपने टीचर के साथ बात कर सकते हैं या अपने वालिदैन के साथ भी बात कर सकते हैं। इसके बाद है रिपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है, आपने गौर से सुनना है। बुली का मतलब है डांटना, डराना, धमकाना, धक्के देना, तंग करना, बुरे नामों से पुकारना वगैरह। अगर बच्चे आपको बुली करते हैं तो फौरन टीचर या प्रिंसिपल को शिकायत करें और घर जाकर अपने वालदैन को भी ज़रूर बताएं। और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है, बुरे बुरे नामों से पुकारता है तो आप बिल्कुल उससे ना डरें, आप किसी बड़े को ज़रूर और फौरन बताएं। जी बच्चों, ये तो था हमारा जायज़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जायज़े की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको खुद से हल कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।